Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about the topic related with the expression. What is the expression in Python? Okay, so let's start our topic, expression. What is the mean of this word? An expression in Python is any valid combination of operator, literals and variables. Okay, so this one is the expression. Expression kya karta hai? ये एक कॉम्बिनेशन होता है. जब हम कुछ लिखते हैं, एक प्रोग्राम लाइन जब लिखते हैं, तो उसमें हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, कुछ लिटरल्स का यूज़ करते हैं, कुछ वेरिएबल का यूज़ करते हैं, और उसको एक ऐसे सेटअप में रखते हैं जिससे वो एक मीनिंगफुल वे में सेटअप हो जाए. ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं. जैसे अगर हम ऐसे लिखें कि ए इक्वल के बाद हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं सी एच. ओके, इसके बाद एक वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं आई, और इसको हम लोग ब्रैकेट बंद करते हैं, और एक और वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं डी बी. तो ये क्या है? ये हमारा एक एक्सप्रेशन है. देखिए, यहाँ पे हमने वेरिएबल का भी यूज़ किया है, जैसे वेरिएबल ए है, वेरिएबल सी एच है, वेरिएबल आई है, वेरिएबल डी बी है. ओके, साथ में हम लोगों ने देखिए ऑपरेटर्स का यूज़ किया. यहाँ पे डिवाइड बाई ऑपरेटर है, यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर है, यहाँ इक्वल ऑपरेटर है. तो ये एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, और इसी को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं. ओके, तो अगर हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो एक्सप्रेशंस हमारे बहुत सारे अलग अलग तरीके के हो जाते हैं. मीन्स कि इनके अपने अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. ओके, सॉरी, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. ठीक, तो ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है. जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये अरिथमेटिक टाइप का होगा, इसका मतलब है कि यहां पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखे जाएंगे, तो इसको हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं. अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व्स नंबर्स, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ओके, तो अगर हम बात करें तो ये जो ऊपर वाला ये हमारा एक्सप्रेशन लिखा गया, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के जैसा ही है, है ना. बस यहाँ पे हम लोग नंबर्स की जगह हम लोगों ने क्या कर लिया, वेरिएबल्स जो है वो हम लोगों ने यहाँ यूज कर लिया है. अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको, इन ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 4. तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा. ओके, इसके जस्ट बाद हमारे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन आता है वो है रिलेशनल. रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है इसमें हम लोग रिलेशन से रिलेटेड यहां कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं. ओके, तो यहां पे रिलेशन के एक्सप्रेशन जो होते हैं उसमें हम लोग जैसे एक ऐसा सेटअप करते हैं, जैसे वेरिएबल लेते हैं x इज ग्रेटर देन y. ओके, तो ये जो है ये हमारा इस तरह से आ गया. इसमें रिलेशन देखे सेट हो रहा है कि इज द x इज ग्रेटर देन y मीन्स क्या x जो है वो y से बड़ा है. तो देखिए एक रिलेशन यहाँ पे सेट हो रहा है, या x इज लेस देन y या x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू y. ओके, यहाँ पे देखिए x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू y. अब अगर हम यहाँ की बात करते हैं, जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें x जो है वो y से बड़ा होना चाहिए. इसका मतलब अगर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये कम्प्लीटली एक्सप्रेशन जो है वो आपको ट्रुथ वैल्यू देगा. ओके, ट्रुथ की कंडीशन बन जाएगी. लेकिन अगर x की वैल्यू 5 है और y की भी वैल्यू 5 है, तो ये आपको जो है वो गलत देगा. तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि x की वैल्यू 5 है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ठीक y. तो इससे क्या हो गया कि जो हमारी x की वैल्यू है ये 5 होगी, y की वैल्यू भी अगर 5 होगी तो भी ये ट्रुथ देगा जस्ट बिकॉज ऑफ इक्वल साइन. ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो गई कि बड़ा या बराबर है. ठीक, तो ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन.
इसमें अगर आप ऐसे लिख देते हो, ये नॉट इक्वलिटी का साइन होता है, ठीक ना, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों सिंबल एक साथ आ रहे हैं, इसको हम लोग नॉट इक्वल का ऑप्शन बोलते हैं, यानी एक्स की वैल्यू वाई के बराबर नहीं है तो ये ट्रुथ देगा, ठीक। तो ये इस तरह से एक रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर एक लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्फ्यूज रहते हैं, ओके, और अक्सर करके ये एग्जाम टाइम गलतियां कर जाते हैं। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन में आप हमेशा याद रखिए कि इसमें कुछ ऑपरेटर यूज किए गए हैं, जैसे एंड और नॉट, ओके। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए और बी, तो यहाँ पे और का केस ऐसे आ गया, और मतलब होता है या, तो अगर ए की वैल्यू ट्रुथ होगी या बी की वैल्यू ट्रुथ होगी तो ये ट्रुथ का कंडीशन निकाल देगा। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी और एक्स इज लेस देन जेड। अब देखिए इसको, ठीक ना, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो एक बी से बड़ी होगी, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, तो ए की वैल्यू बड़ी हो गई, ठीक ना, ए इज ग्रेटर देन बी हो गया, तो ये चीज सही हो गया ना, एक कंडीशन सही हो गया। अब अगर एक्स की वैल्यू जेड की वैल्यू से छोटी नहीं है, यानी ये कंडीशन अगर गलत हो जाए तो पर भी ये ट्रुथ की कंडीशन देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ और का कंडीशन ये होता है कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर आपकी सही निकल जाती है तो वो ट्रुथ की वैल्यू देता है, अदरवाइज ये आपको फॉल्स देगा। तो दोनों साइड से अगर आप इसकी फॉल्स की कंडीशन से तभी हो सकती है जब दोनों साइड से गलतियां हो, ठीक ना, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी ना हो और एक्स की वैल्यू जेड से छोटी ना हो, ठीक, तो जा करके ये फॉल्स देगा। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रुथ निकल गई या दोनों ही कंडीशन ट्रुथ निकल गई तो ये ट्रुथ की ही वैल्यू देगा, ओके। और इसी जगह अगर और की जगह हमने एंड कर दिया तो भाई एंड मतलब होता है और, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए और एक्स की वैल्यू जेड से छोटी होनी चाहिए, मतलब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि ए की वैल्यू बी से बड़ी भी होनी चाहिए और साथ में ही एक्स की वैल्यू जेड से छोटी भी होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन मिलेगी तभी ये आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन तैयार होगा, ठीक ना। तो ये वाली चीज जो है वो आपको समझनी है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास एंड और नॉट होते हैं, तो ऐसे कंडीशंस जो हैं वो लॉजिकल एक्सप्रेशन में आते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास एक और एक्सप्रेशन बचता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। जाहिर सी बात है, नाम है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या करेगा, ये स्ट्रिंग एक्सप्रेशन आपको ऐसे कॉन्सेप्ट देगा जहां पे स्ट्रिंग से रिलेटेड आपका काम हो। अच्छा, स्ट्रिंग जो होता है इसमें सिर्फ दो तरह के सिंबल ही यूज किए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा कि जो स्ट्रिंग ऑपरेशन हो गए इसमें या तो प्लस या तो मल्टीप्लाई, ये दो ही ऑपरेटर यूज किए जाएंगे इस एक्सप्रेशन में। जो भी कॉम्बिनेशन तैयार होगा वो या तो प्लस का होगा या तो मल्टीप्लाई का होगा, ठीक ना, इससे ज्यादा यहाँ पे कंडीशंस नहीं तैयार हो सकते हैं। तो जैसे अगर आपको हम ऐसे स्ट्रिंग्स दें, जैसे हमने लिख दिया एंड, ये देखिए डबल कोट में लगा है, इसका मतलब स्ट्रिंग है, ओके, इसके बाद हमने प्लस लगा दिया, फिर इसमें हमने लिख दिया देन, ठीक है। तो ये चीज जो है एंड और देन, इसमें हमने क्या किया है कि ये एक स्ट्रिंग है, ये ऑपरेटर यूज किया गया है और ये दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक। तो ये जो रिजल्ट आपको देंगे वो रिजल्ट आपको देंगे एंड देन, ये इस तरह से रिजल्ट आपके सामने बना सकते हैं। इसका मतलब है स्ट्रिंग आपको या तो ऐड करा सकता है या तो मल्टीप्लाई करा सकता है। मल्टीप्लाई का अगर हम लोग ऑप्शन लेते हैं तो कैसे होगा, इसको देखते हैं। तो जैसे हमने यहां पे लिखा स्कूल मल्टीप्लाई बाई टू, ओके, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा आपके सामने, इसका सामने रिजल्ट आएगा स्कूल। तो ये चीज जो है ये आपके सामने आ जाएगी, ठीक ना। तो ऐसे वाले कन्फ्यूजन्स जो हैं वो हमारे स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस के साथ होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, एक्सप्रेशन के ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हम लोग इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, ओके। अब इस पे अगर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं,
आइए देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने प्रिंट लगाया, प्रिंट प्रिंट के बाद हमने यहाँ पे टू लिखा, टू मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ओके। ये हमारे पास हमने एक स्ट्रिंग लगा दिया नो, ठीक। यहाँ पे देखिए आप, आपको अच्छे से दिखेगा, प्रिंट हमने किया, टू मल्टीप्लाई लगाया और साथ में हमने एक यहाँ पे देखिए हमने स्ट्रिंग्स लगा दिया और स्ट्रिंग क्या है नो, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कुछ भी लिखा जा सकता है, जैसे हेलो लिख देते हैं, ठीक, हेलो हो गया। इसके बाद देखिए प्लस का ऑपरेटर आ गया, तो यानी इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा टू इंटू हेलो, ये एक तरफ का एक्सप्रेशन हो गया, फिर प्लस आ गया, ये दूसरे तरफ का क्या है, थ्री इंटू एक्सक्लेमेशन, ओके। तो ये चीज आ गया, थ्री इंटू एक्सक्लेमेशन मतलब क्या हो गया कि हेलो दो बार प्रिंट होगा और फिर एक्सक्लेमेशन तीन बार प्रिंट होगा, ठीक ना, और ये एक साथ हो जाएंगे। तो इसको अगर हम चलाते हैं तो आप देखो यहाँ पे हेलो और हेलो हेलो ये दो बार आ गया और साथ में एक्सक्लेमेशन जो थे वो तीन बार आ गया। तो ये वाली चीज़ जो है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये चीज़ कैसे आया था, ये हमारे इस प्रिंट से आया था, जब हम लोगों ने प्रिंट टू इंटू हेलो किया था और प्लस थ्री इंटू एक्सक्लेमेशन यहाँ पे डाल दिया गया, तब ये इस तरह से आ गया। अब इसमें अगर हल्का सा चेंज करते हैं, जैसे हमने ये ब्रैकेट जो है वो यहाँ सेट कर दिया, ठीक ना, अब अगर हम ब्रैकेट को यहां सेट कर देते हैं तो बताइए आपके रिजल्ट क्या आएगा, ठीक। यहां पे अगर हमने इसको सेट कर दिया तो बताइए रिजल्ट क्या आना चाहिए, ठीक। यहां पे थ्री इंटू एक्सक्लेमेशन जो है वो तो चला, तो थ्री इंटू एक्सक्लेमेशन जो है इन ब्रैकेट वाली चीजें पहले सॉल्व होती हैं, तो थ्री इंटू एक्सक्लेमेशन ये पहले होगा, यानी तीन बार एक्सक्लेमेशन सिंबल आएंगे और इसके बाद देखिए यहां पे ये जो एक्सक्लेमेशन सिंबल है ये तीन बार आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद हेलो जो है वो उसके साथ एड ऑन हो जाएगा, ठीक ना, तो हेलो जो है वो इसके साथ एड ऑन हो जाएगा और साथ में थ्री एक्सक्लेमेशन सिंबल आएंगे, इसका मतलब हेलो थ्री एक्सक्लेमेशन ये आएगा और उसके बाद फिर जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्ट्रिंग क्या बन गया था, हेलो थ्री एक्सक्लेमेशन, ठीक ना। तो अगर इसको अगर हम प्रिंट लेते हैं तो यहाँ पे आएगा हेलो थ्री एक्सक्लेमेशन फिर हेलो थ्री एक्सक्लेमेशन, ओके। तो ये इस तरह से चीजें आपके सामने आ जाएंगी, देखिए हेलो थ्री एक्सक्लेमेशन फिर हेलो थ्री एक्सक्लेमेशन, ओके। तो ये इस तरह से चीजें आपके सामने आ गई। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग का एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है। आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जो फाइनल पेपर होते हैं उसमें इन्हीं में हल्का सा चेंज कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द पर्टिकुलर लाइन और पर्टिकुलर प्रोग्राम्स। तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या इसका आउटपुट आना चाहिए, और अगर आपने वहाँ पे सही कर दिया तो आपको वहीं पे बस बैठे बैठे दो नंबर मिल जाएंगे, जो कि सिंपल तरीके से आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा इस पे प्रैक्टिस ज़रूर बना के रखिएगा कि किस चीज़ से कौन से रिजल्ट तैयार होते हैं और जो एक्सप्रेशन होते हैं वो स्ट्रिंग के कैसे होते हैं, बाकी जो दूसरे टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हैं वो कैसे होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे मिलती हैं, ओके। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। इसके बाद देखिए हमारे पास इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशंस आते हैं। इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो हमारा कैसे होता है, देखिए बहुत अलग चीज नहीं है ये इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन। इवेल्युएटिंग का मतलब क्या होता है कि हमको इवेल्युएट करना होता है ना, जब हम रिजल्ट्स इवेल्युएट्स करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक पूरा एक्सप्रेशन जो होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हमारे सामने मिल जाता है। अब उसमें हमको ये चेक करना है कि वो किस तरह से हमको यूज करना है, ठीक ना। तो इसमें चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा सा चेंज मिलेंगी जब इवेल्युएटिंग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास, हम लोग इसके पहले पढ़े थे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन, ठीक ना। तो इम्प्लिसिट टाइप क्या होता है और एक्सप्लिसिट टाइप क्या होता है वो आपको बता देते हैं। जैसे अगर आप डेटा टाइप से रिलेटेड अगर आप चीज़ों को देखते हो, तो जैसे हम इंटीजर की बात करते हैं और फ्लोट की बात करते हैं, तो अगर हमने इंटीजर की बात लिखी, इंटीजर में अगर हमने लिखा है 5, तो ये इंटीजर हो गया। अब अगर इसको हम लिख देते हैं 5.0, तो क्या वैल्यू में कोई चेंज आया, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंटीजर के नंबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो फ्लोट्स नंबर होते हैं उसमें चेंज हो जाते हैं, इसमें वो चेंज हो सकते हैं। जबकि अगर 5.6 होता और इसको अगर इंटीजर में चेंज करते तो क्या आता यहाँ पे 5.6 का, या तो 5 लेता या तो 6 लेता,
क्योंकि 0.5 से ऊपर है वैल्यू, तो हो सकता है ये 6 लेता। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू हुई? नहीं ना, ये इसमें गड़बड़ी हो गई ना, तो इसको बोलते हैं ये इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, ये इम्प्लिसिट चेंजेस नहीं होंगे, अपने से यहाँ चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में यही एक डिफरेंस होता है कि जब हम इम्प्लिसिट की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसे डेटा टाइप जो इजली दूसरे में चेंज हो जाते हैं वो इम्प्लिसिटली यानी सिस्टम उसको खुद कर सकता है, वो अपने से कर देता है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ है जिससे आपके वैल्यू में चेंजेस आ जाएंगे तो उसको सिस्टम खुद से नहीं करेगा, उसको आप करेंगे, यूज़र करेंगे, प्रोग्रामर करेगा। और ऐसे चेंजेस जो प्रोग्रामर करता है यानी यूज़र करता है यानी आप करते हो, तो उसको हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। ओके, तो ये वाले कन्वर्जन्स को थोड़ा सा दिमाग में रखना होता है और उसके बाद फिर चीज़ों को हमको लाइन बाय लाइन यूज़ करना होता है। ओके, जैसे अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं सी एच, सी एच इक्वल टू हमने लिखा 5, तो ये क्या हो गया, ये इंटीजर होगा ना, ठीक। इसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आई इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया, ये भी इंटीजर हो गया, ठीक। इसके बाद हम लोग लिखते हैं एफ एन, ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया एफ एन इक्वल टू 4, ठीक ना, तो ये भी हमारा इंटीजर हो गया। इसके बाद हम लोग लिखते हैं डी बी, डी बी इक्वल टू 5.0, तो 5.0 अगर आ गया तो ये क्या हो गया, इंटीजर है? नहीं, ये फ्लोट है। ओके, तो ये फ्लोट हो गया। इसके बाद एफ डी की बात करते हैं, एफ डी इक्वल टू 36.0, ठीक ना, 36.0, ये भी 0.0 लग गया, इसका मतलब ये भी फ्लोट है। अब बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू इन ब्रैकेट सी एच प्लस आई एंड डिवाइड बाई डी बी, तो बताइए फाइनल वैल्यू किस में मिलेगी आपको, इंटीजर में मिलेगी कि फ्लोट में मिलेगी, आप बताओ। अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते, तो अगर हम एक्सप्रेशन बाई एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करेंगे तो सी एच की वैल्यू क्या है, सी एच की वैल्यू है 5, हमने प्लस किया आई की वैल्यू है 2, ठीक ना, ये ऐसे हो गया, और डिवाइड बाई क्या है डी बी, डी बी क्या है 5.0। अब बताइए कि रिजल्ट जो ए में आने वाला है वो फ्लोट में आने वाला है कि इंटीजर में आने वाला है, ठीक। तो ये चीज जो है इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अगर इस तरह के एक्सप्रेशंस आएंगे इसको हम लोग इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक। तो ये इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन जो है हमारे सामने वो इस तरह से आएगा, और इसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 7 है, ठीक ना। तो 7 और 5.0 अगर आता है तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1.4 आएगा, ठीक ना। अगर हम यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 5.0 करते हैं, तो चूंकि फ्लोट से डिवाइड हो रहा है इस वजह से रिजल्ट जो है वो फ्लोट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, और 5 से बाई 7 तो कटेगा नहीं, लेकिन इसको हम लोग पॉइंट में लेके जा सकते हैं, 5 × 5 हो जाएगा, एंड पॉइंट के बाद फिर 2 टाइम्स जो है वो जाएगा आगे, 20 हो जाएगा ये, और 5.4 यानी ए की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1.4 की, ठीक ना। तो ये रिजल्ट जो है ये इवेल्युएट आपने किया, ओके, तो आपके एक्सप्रेशंस ऐसे थे जिसको आपने इवेल्युएट कर लिया, ओके। तो ये वाली चीज जो है वो क्या हो गई, ये फाइनली कन्वर्ट हो गई फ्लोटिंग पॉइंट में, और इम्प्लिसिटली हम लोग इंटीजर से जो है वो फ्लोट में चले गए, तो ए की फाइनल वैल्यू जो है वो फ्लोट में काउंट कर ली जाएगी। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आ गए होंगे, आगे की चीज़ें आपको फिर से बताई जाएंगी, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।